तो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि तुम लोगों को मालूम है कि यार हम बहुत दिन बाद तुम लोगों के सामने आए हैं वीडियो लेके, क्योंकि हम भी बाहर थोड़ा थे यार। मगर हम तुम लोगों को एक बात बताना चाहते हैं यार। उन्नाव से लालगंज हाईवे, जो ऐसा कि तुम लोगों को मालूम है यार, अभी पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ, मगर जितना भी बना है बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या बात है, अगर तुम लोग कभी इधर से जाओ और देखो इस हाईवे को, एक नंबर हाईवे बन के तैयार हुआ है भाई। इतना अच्छा हाईवे बन के दिख रहा है और बहुत हाहाहूती हाईवे बन रहा है। मतलब लोगों को लगता था कि ये छोटा सा एक फोर लाइन बनेगा कि इधर से, और हम एक ब्रिज पे खड़े हैं और ब्रिज की इतनी चौड़ाई है, करीब 6 लाइन की चौड़ाई है इस हाईवे की। एक नंबर हाईवे बन के तैयार हो रहा है और ये हम अभी हाईवे के ऊपर ही खड़े हैं और हम सिकंदरपुर में खड़े हुए हैं और ये हाईवे अभी चालू हुआ है। बहुत बढ़िया हाईवे चालू हुआ है और बहुत बढ़िया बन के तैयार हो गया है। मज़ा आ गई है भाई एकदम। मतलब कि हम क्या बताएं तुम लोगों को, एकदम अभी हम तुम लोगों को दिखाते हैं पीछे का इसके नज़ारा क्या है और हमारे आगे पीछे का नज़ारा क्या है दिखा रहे हैं अभी हम तुम लोगों को। I would make it this far, they hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball, I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense, I don't care what a critic got to say, I got him picked another piece. Yeah, me, you really playing with your life, I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back, you ain't fitting for it cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up, I'm really about to run this go up. You know it's on net when it go up. Got no other plans, you don't need to understand. Ayy, we all know the time, you don't need to understand. Ayy, you just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming, what we doing? ये देखो एकदम बाहर एकदम फल्लादेदार एकदम गाड़ी से जा रहे हैं और यहाँ पे भी बीच में हल्का सा कट मार दिया गया है। ये देखो, और ये देखो, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, 6 लाइन का ये ब्रिज बना हुआ है और नीचे 4 लाइन हाईवे है और ये 6 लाइन का बना हुआ है। Please don't play no games with me, I promise I'm too much. Ay, I can never let up even if you had enough. Ay, this ain't for the faint of heart, we always play it rough. I had enough, couldn't love. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission. The biggest admission with no intermission. I said it could listen, the crash and the distance ain't coming up fresh. No, no one yet with the love, don't talk about the show. They all about to see what I mean in the moment. I gotta keep going, I'm shaking the dice and I'm kicking and rolling. They already know. Got no other plans, you don't need to understand. Just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving. What we doing? Keep taking care. Keep taking care. इन नजारा देखने वाले और ये देखो बड़े-बड़े टावर। बहुत जल्दी यहाँ पे और तुम लोग भी दिखाते हैं कि पीएससी का प्लांट कैसा है और कहाँ पे भी है। और ये देखो आप लोगों को जो दिख रहा है आगे का नजारा पूरा, मतलब क्या हम बताएं तुम लोगों को, हाईवे देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये देखो गैप, इधर दूसरा सारा गैप है, ये अंडरपास का। और अभी हम लोग जा रहे हैं, दिखा रहे हैं तुम लोगों को पे। गाड़ियां फिलहाल चल रही हैं और उससे भी तेज गाड़ियां चला रहे हैं लोग, काफी लोग चला रहे हैं। अभी फिलहाल ये बनके पूरा तैयार नहीं हुआ है हाईवे, तो अभी पूरी तरह से हाईवे बनके तैयार नहीं हुआ है, मगर कुछ ही दिनों में अभी मेन काम जो रह गया वो उड़नाव में काम रह गया। उड़नाव में करीब अभी 5 से 6-7 महीने लगेंगे, जैसा कि हमने इंजीनियरों से पूछा और काफ़ी लोगों से हमने काफ़ी इसकी जानकारी लिया है कि उड़नाव में और ये हाईवे बनने में कितना टाइम। उन्होंने सीधा बोला कि करीब 6-7 महीने लगेंगे उड़नाव में। उड़नाव में क्योंकि क्या है ना, वहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत है, ट्रैफिक है और तो काम थोड़ा स्लो होता है वहाँ पे। और जहाँ के तक कि ये उन्नाव से 2-3 किलोमीटर बाद से फिर लालगंज तक पूरा रोड हाईवे तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। और कहीं कहीं पे खाली ब्रिज वगैरह के हल्के हल्के काम रह गए हैं और उसके बाद ये नाले वगैरह जो ड्रेन वगैरह हैं और ये जो ड्रेन का काम है और ये सर्विस लाइन है, सर्विस लाइनें ज़्यादा कहीं नहीं है,
कहीं कहीं पे नहीं है और कहीं कहीं पे बनाई गई है, जहाँ जैसे टाउन एरिया हुआ, थोड़ा कस्बा एरिया हुआ और क्राउड है वहाँ पे और पब्लिक रहती है, ज़्यादा पब्लिक है तो वहाँ पे सर्विस लाइन दी गई हैं। और ज़्यादातर तो जहाँ पे नहीं ऐसा है, हल्के हल्के छोटे छोटे गाँव है जो पड़ रहे हैं, वहाँ पर इन लोगों ने नहीं दिया है सर्विस लाइन, वहाँ से क्या ना रोड भी नीचे है वहाँ पर और कहीं कहीं पर रोड बहुत ऊपर है, इसमें थोड़ा तकलीफें होती हैं, इसलिए उन लोगों ने क्या है ना अभी बना के तैयार कर रहे हैं और धीरे धीरे काम चल रहा है, ड्रेन का काम हो भी रहा है फिलहाल और सर्विस लाइन का बस हमको इंतजार है कि जल्दी से सर्विस लाइन बने और थोड़ा काम और चालू हो, थोड़ा अच्छा लगेगा। जिस जब भी सर्विस लाइन वगैरह बन के तैयार हो जाएंगी तो देखना क्या, मतलब कुल मिला के सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया और कुल मिला के इतना ही अच्छा काम और करते रहे यार। देश में भी चारों तरफ हाईवे एक्सप्रेसवे बन ही रहे हैं और बनने भी चाहिए। जहाँ अभी हम लोगों को उन्नाव से सिकंदरपुर आने में या उसके आगे जाने में उन्नाव सिकंदरपुर एक घंटा लगता था, इतनी ख़राब रोडें पहले थी, गड्ढे पड्डे थे, टेम्पो वगैरह चलते थे, एक एक घंटे में पहुँचाते थे, अभी ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल अभी हम अगर उन्नाव से सिकंदरपुर जाएंगे, अगर पूरा हाईवे बन जाएगा, एक 15 मिनट के अंदर ही हम पहुँच जाएंगे, जबकि बहुत स्लो होकर अगर हम जाएंगे 15 मिनट पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये हाईवे देखने के बाद हम तुम लोग क्या बताएं यार, और तुम लोग अगर इधर से कभी निकलो तो हाईवे का नज़ारा देखो और मस्त देखो, लाइटें बड़ी बड़ी हमारे साइड में लगी हैं, अभी फिलहाल ये लाइटें चालू नहीं है, लाइटें देख रहे थे तुम लोग, ये चालू नहीं है, बहुत जल्द यहाँ पर चालू हो जाएंगे, CCTV कैमरा वगैरह लग जाएंगे जिसमें कि सिक्योरिटी भी बढ़ेगी सबकी और सुरक्षा भी रहेगी, और अच्छा भी है CCTV कैमरा वगैरह लगे हैं और बहुत बढ़िया फिलहाल ये हाईवे लग रहा है। 6 लाइन का ये ब्रिज बना के दिया है सरकार ने, जिसमें भविष्य में अगर कभी हुआ 6 लाइन रोड बनेगी, चौड़ी होएगी, तो इसलिए बना के भी रखा है, बहुत बढ़िया एक्सप्रेसवे बना रही है, हाईवे सॉरी बना रही है एक्सप्रेसवे, तो कानपुर लखनऊ वाला बन रहा है, वो भी बहुत भारी एक्सप्रेसवे बन के तैयार कर रही है सरकार, एक नंबर एक्सप्रेसवे बना रही है, मगर कोई जोड़ नहीं है इस हाईवे का है भाई, ये जो हाईवे बन रहा है उन्नाव सुल्तानगंज, कोई जोड़ नहीं है, ऐसा हाईवे अभी जल्दी हम लोगों ने देखा ही नहीं होगा, क्योंकि अभी पुराने पुराने हाईवे पहले के देखा करते थे, कानपुर लखनऊ बना हाईवे पुराना 4 लाइन हाईवे है, इसको देख रहे थे, अभी ये हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी से हाईवे बने यार, नई नई मशीनें, तुम लोगों को तो हमने काफ़ी सारे वीडियो डाले रहेंगे तो देखा रहेगा, नई नई मशीनें वगैरह आई हैं, है ना, तो ये सब देखने के लिए यार मज़ा आ गई फिलहाल। और तुम लोग यार चैनल पे हमारे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही अगर कोई नई अपडेट मिलती रहेगी तो हम लोगों को ज़रूर बताएंगे और ज़रूर बताएंगे और दिखाएंगे भी। तो यार तुम लोगों को यही है कि थोड़ा सपोर्ट बनाओ, प्यार बनाओ, मिलते हैं अगले वीडियो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।